पबजी होने वाला है इंडिया में बैन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अभी 47 चाइनीज एप्लीकेशन को कम्प्लीटली इंडिया में बैन कर दिया है और यहाँ पे टोटल 250 चाइनीज एप्लीकेशन की एक लिस्ट बनाई है जो कि इंडियन यूजर के डेटा को बाहर भेजते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एकदम चांसेस है 90% की जो पबजी मोबाइल है वो इंडिया में बैन हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि वो 47 चाइनीज एप्लीकेशन कौन कौन से हैं जिनको कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है और यहाँ पे 250 एप्लीकेशन के लिस्ट में कौन कौन से एप्लीकेशन शामिल हैं और भी कुछ बातों के बारे में आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ भी अच्छा लगा क्या खराब लगा मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 47 चाइनीज एप्लीकेशन कम्प्लीटली बैन कर दिया है सेक्शन 69A के तहत, जहाँ पे कि ये चाइनीज एप्लीकेशन इंडियन यूजर के डेटा कलेक्ट करती हैं और दुनिया के अंदर सर्वर मतलब कि इंडिया के बाहर सारे डेटा को भेजती हैं, जहाँ पे कि पबजी मोबाइल का नाम भी शामिल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 47 चाइनीज एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशन है क्लोन्ड ऐप हैं जो कि टिकटॉक हो गया और भी जितने भी अनदर चाइनीज एप्लीकेशन जो पहले बैन हो चुके हैं 59 चाइनीज एप्लीकेशन, उन लोगों का क्लोन ऐप है, जैसे कि दोस्तों कैम स्कैनर शेयर इट, ये सब का क्लोन एप्लीकेशन है जो कि 47 चाइनीज एप्लीकेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। यहां पे दोस्तों अलीबाबा के सारे एप्लीकेशन और टेंसेंट गेमिंग के सारे एप्लीकेशन का भी नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक वो 47 चाइनीज एप्लीकेशन को लिस्ट तैयार करके ऑफिशियली नहीं भेजा है और ना ही यहां पे जो 250 एप्लीकेशन जो बैन होने वाले हैं उनके बारे में लिस्ट भेजा गया है। लेकिन दोस्तों यहां पे आर्टिकल में जितने भी मैं पढ़ा हूं 5-6 न्यूज आर्टिकल, वहां पे यही लिखा हुआ है कि इट इज बिलीव्ड दैट सम टॉप गेमिंग चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग पबजी मोबाइल वुड बी अ पार्ट ऑफ न्यू लिस्ट ऑफ बैंड एप्लीकेशन। दोस्तों यहां पे आप नीचे पढ़ सकते हैं, ये जो आर्टिकल है ये इस समय बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट और न्यूज के वेबसाइट पे ये मुझे देखने को मिला है। तो ये माना जा सकता है कि जो पबजी मोबाइल है वो इंडिया बैन हो सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं 90% चांसेस हैं कि ये पबजी मोबाइल हम लोग का इंडिया बैन हो सकता है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इंडियन गवर्नमेंट के डिजिटल स्ट्राइक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।